अरे क्या बात है कशिश, क्या कुछ आज खास है क्या? आज फागुन मासाचा पहिला शुक्रवार आहे। आज का दिन तो बहुत शुभ माना जाता है हल्दी कुंकू के लिए। हाँ, हमने भी सोचा किशान की शादी हुई है तो उसकी बीबी का पहला हल्दी कुमकुम होगा। देखा, मैंने कहा था ना सुरेखा बहुत परेशान है। अरे भाई, जिसकी बहू ऐसी हो उसको रसम करने का मन ही नहीं करेगा। हाँ, वो किसी कैफे में वेटर्स का भी जॉब करती है, कहाँ सुनती होगी इसकी बातें। आज तो शुभ मुहूर्त है ना, और हल्दी कुमकुम आज नहीं हुआ तो बहुत अशुभ हो जाएगा। ये बात तो तुम भी जानती हो सुरेखा। अगर बहू ने मना कर दिया तो? बस ये भोसले निवास है, यहाँ सुरेखा भोसले की बातें बातें नहीं होती, हुक्म होता है। लोग मुझे यूं ही अक्का साहब नहीं कहते। ईशान और उसकी बीवी का हल्दी कुमकुम आज ही होगा। मैं ये रस्म नहीं करूंगी। जब आप मुझे इस घर की बहू नहीं मानती, ईशान सर की पत्नी नहीं मानती, तो फिर आप ये रस्म करवाने की जिद क्यों कर रही हैं? तू कौन है? है कौन तू? मेरी माँ है, मेरी टीचर है, जो सवाल पे सवाल किए जा रही है। एक बात कान खोलकर सुन ले, तू तो क्या, तेरे फरिश्ते भी ये रस्म करेंगे, क्योंकि अब सवाल मेरी इज्जत का है। सवाल कोई भी हो, जवाब एक ही, नहीं। मुझे भी सभी के साथ कोई रस्म नहीं करनी अक्का साहब। क्या? अगर हमारे खानदान की इज्जत का सवाल नहीं होता तो बस, मैं बस उसी इज्जत की खातिर बात कर रहा हूं मैं अक्का साहब। याद है ना पिछली बार रिसेप्शन में हमारी कितनी धजिया उड़ी थी? इन मैडम का कुछ भरोसा है क्या? जब जो मन में आए कुछ कर देंगी ये? मुझे इस लड़की के साथ कोई भी रस्म नहीं करनी। तुझे यहां देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये तो वही है ना जिसके ईशान से शादी होने वाली थी? हाँ, वो मेरी किटी पार्टी की सहेली आई है। फागुन का पहला शुक्रवार है ना, तो हल्दी कुमकुम करने आ गई। तो क्या सभी ने मना कर दिया क्या? हाँ, सभी ने तो मना किया था, पर ईशान दादा ने भी मना कर दिया। क्या? आई नो सवेब, मुझे तुम्हें कुछ बोलने का, कुछ समझाने का कोई हक नहीं है, लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ मैम, ऑब्वियसली आप पूछिए ना। तुमने हल्दी कुमकुम की रस्म के लिए मना क्यों कर दिया? दो लोग जो एक दिखावे के रिश्ते में बंधे हुए हैं, जिनकी शादी एक समझौता है, मुझे नहीं लगता कि उनका ये पवित्र रस्म करना ठीक है। लेकिन सभी, तुम्हारे हिसाब से इस हल्दी कुमकुम की रस्म में झूठ क्या है? जितना मैं जानती हूँ, महालक्ष्मी जी की पूजा सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए की जाती है। सभी, अगर ये घर के लोग या ईशान थोड़े से भी मायने रखते हैं, या तुम्हें लगता है इन लोगों ने तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी कुछ किया है, तुम अगर शुक्रगुजार हो इन लोगों की, तो मैं नहीं लगता ये रस्म तुम्हें करनी चाहिए उनके लिए, इस घर की खुशहाली के लिए। किसी का भला करने में गलत क्या है? ओके, ये रस्म करने के लिए तैयार हूँ। नहीं है मेरा मन ये सब लोगों के सामने जाकर नाटक करने का, ये सब रस्में उसमें करने का, सच बता रहा हूँ मैम। I'm fed up. रिसेप्शन भी तुमने इसलिए दिया था ताकि तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की बदनामी ना हो, राइट? लेकिन सब कुछ बिगड़ गया, लेकिन यही मौका है उसको सही करने का। तो किसी के लिए ना सही, लेकिन अपने प्यारे से अक्का साहिब के लिए तो कर सकते हैं। लेकिन मान जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।